आप एक मिनट रुको, मेरी बात सुनो। मणिपुर बचा लिया, एक सेकंड बचाएगा, एक साथ थोड़ी बचा लेगा सबको। 90 दिन तक नहीं बचाया, 90 दिन तक नहीं बचाया। अगर मोदी सही नहीं है तो जनता ही तो चुनकर बेचती है मोदी को। कौन ये जनता ही तो चुनकर बेचती है। मेरी बात सुनो, आप आराम से बातचीत कीजिए। पहले तुम्हारी में लड़ाई नहीं है, मेरी बोली में मत जाइए। पहली बात, मेरी बोली में मत जाइए। किसने कहा था? मैं एक टीचर हूँ, मुझे पता है। मैं ये मोबाइल लगता हूँ अपने हिसाब से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरा कोई खर्चा नहीं है, बिल्कुल कोई खर्चा नहीं है। और एक मिनट की बात करो, मैं मोबाइल ही नहीं रखता। मेरे बच्चों पे 4-4 मोबाइल है। तू तो खाना भी नहीं खाता, तू तो खाना भी नहीं खाता। 2-3 मोदी निकालता हूँ। माई मोदी अकाउंटेंट है या यही चांदी चौक में, और बाइक से आता है मोदी। मैं साइकिल से आता हूँ। अरे से कुछ नहीं होगा, खर्चे पूरे करो ना। कमाई तो 100 रुपए, खाना भी खर्चे कर रहे हैं 250 रुपए। या तो जेब काटेंगे, या चोरी करेंगे, या किसी की बेईमानी करेंगे, या कुछ करेंगे। खर्चे मैं एक मिनट बोलो, मेरा नंबर लीजिए। मैं नरेश कुमार, मैं हरीश कुमार। एक मिनट, मैं हर गांव में मैं हर गांव में पैदल जाके पढ़ाता हूँ, पैदल जाके पढ़ाता हूँ। क्योंकि देश के बच्चों पढ़ाई की जरूरत है। तेरे पास पैसे हो या ना हो, मैं पढ़ाऊंगा जब तक। फ्री पढ़ाते हैं बिल्कुल। आप अपनी नौकरी छोड़ के, आप अपनी नौकरी छोड़ के प्राइवेट स्कूलों में, सरकारी स्कूल में फ्री पढ़ाइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं पढ़ाऊंगा, बोलो जब तक जीऊंगा। बच्चों के लिए मैं काम करता हूँ तब फ्री करूंगा। मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है, मैं पढ़ाता बच्चों फ्री में। मैं पढ़ा लिखाई नहीं हूँ, बस पढ़ाई लिखाई नहीं हूँ। बोलो चल क्या रहा है, बोलो। मध्य प्रदेश के रहने वाला हूँ मैं, बोलो। अनूपपुर जिले, सरकार अनूपपुर के रहने वाला हूँ मैं, मध्य प्रदेश के रहने वाला हूँ मैं। है? जो बातें कर रहे हैं सारी बातें बंदे गलत कर रहे हैं। सही बात क्या है? सही बात मैं अभी इतना फुल फॉर्म इतने बीच भरी महफिल में नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता? गलत बोल सकते हैं, सही नहीं बोल सकते। जो बीच जो ऐसा है अपने प्रॉब्लम अपनी। गलत बोल सकते हैं, सही नहीं बोलते। दोनों सही बात नहीं कर रहे, तो सही भी तो बोल सकता है। गलत सही बात बोलो। फुल फॉर्म मैंने ध्यान नहीं दिया है मैडम। क्या फुल फॉर्म ध्यान मैंने नहीं दिया? मोदी को जानते हो? दिस इज माई, मैं यहाँ दिस इज माई वोट। दिस इज मोदी, जानता हूँ कि मोदी है कैसा। कैसा है मोदी? कि मेरी मामा सरकार है कैसा, मध्य प्रदेश रहने वाला हूँ। आप सरकार से ये तो आवाज उठाओ कि हमें रोजगार दे, किसी भी तरह का दे। रोजगार चाहिए तभी तो चलेगा। मामा को बता देना, आधा भ्रष्टाचार हो जाए। बेरोजगारी इतनी है कि बेरोजगारी सरकार कोई भी काबू नहीं कर पा रही। एक मिनट मैडम, मैं कहना चाहूँगा कि भाई ये भाई ठीक कर रहे हैं, चाहे महंगाई बढ़ो, लोगों को रोजगार होना चाहिए। एक मिनट, लेकिन लोगों को रोजगार की बात है। एक बुढ़ापा पेंशन हरियाणा में चली थी, पूरे देश में चली है जी। एक बूढ़े को 2500 पेंशन दी जा रही है, 2700 पेंशन दी जा रही है, लेकिन इनके मंत्रियों के भत्ते 200 गुना बढ़े हुए हैं। एक MLA की भत्ते मिला के 2,80,000, तो वो भी बूढ़े हैं, वो भी इंसान हैं। उनका इतना महंगाई कैसे, उनको ऐसे कैसे मिल रहा है? तुम्हारी बात, गरीब आदमी को तो कुछ नहीं मिल रहा। एक मिनट इनकी बात काटिए, मेरी बात पे आइए। आप एक बात सुनिए, जिसके घर में जो करोड़पति है उसके बाप माँ बाप भी 60 साल के होते हैं, तो पेंशन वो भी ले रहे हैं। एक BPL कार्ड जो होता है, वो जिनकी कोटियां खड़ी हैं, BPL की सुविधा उनको मिल रही है। झोंपड़ी झुग्गी वाले बेचारे क्या है, कुछ नहीं है। वो अस्पताल में कहीं को दाखिले के लिए कहीं जाता है, बाल की खाल निकाली जाती है। तू वहाँ का बिहार का, ये कागज ला वो कागज ला, सरकार जहाँ की सरकार, जहाँ दाखिला हो रहा वो सरकार। वो सरकार जिम्मेदार है। मोदी सरकार अपने उस जगह की जिम्मेदार है, पूरे सेंटर की जिम्मेदार है वो। पूरे सेंटर की कैसे है? मैं बताता, आपको पता नहीं, जितने UT है उनका पैसा इसके अंडर चलता है। ठीक है जी, दिल्ली में सरकार आपकी है, लेकिन कुछ विभाग
इसके सेंटर के अंदर है, सेंटर के अंदर है, कुछ विभाग सेंटर के अंदर है कि नहीं, लेकिन वो कुछ करने देना चाहते इसको, क्यों नहीं करने देना चाहते? क्यों इसमें टकराव तो होगा ही होगा। आप सीधा सीधा ये सोचे आप ऐसे जोड़े 70 साल, 70 साल कई सरकारों ने राज किया हिंदुस्तान के ऊपर। 2 साल कैसे थे अभी सबने किया? टोटल हिंदुस्तान पकड़ जी कितना था? टोटल हिंदुस्तान पकड़ 65 लाख करोड़, कुल 8 सालों में 85 लाख करोड़। ये देखो मोदी जी ने 8 साल में 85 लाख करोड़ का कर्ज लिया, काहे के लिए लिया? क्या सिलेंडर 300 रुपए में दे रहे हैं? घूमने के लिए आटा 16 रुपए दे रहे हैं? चले मोदी जी के पास चलो, कौन तैयार है? है तैयार कोई मोदी जी पास? चले बात करने से हो जाएगा। आपको मोदी सरकार से नाराजगी है तो दिख गया, तो आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी सरकार आएगी जिससे ये नाराजगियां दूर होंगी? मेरी बात सुन लो, हमें मोदी सरकार से कोई भी नाराजगी नहीं है। सरकार वो अच्छी है जो देश का फायदा सोचे। अब तक की जो 9 साल की सरकार रही है वो फायदा नहीं सोच रही? इनने क्या फायदा सोचा? आप मुझे एक चीज बता दे कि इनने ये फायदे का काम करा है? आप जहाँ देखो वहाँ दंगे चल रहे हैं, जहाँ देखो बेटियाँ सेफ नहीं है। मोदी जी का भाषण आता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पढ़ाएं कहाँ से और बचाएं कहाँ से जब इनकी खुद की सरकार लूटती है? इनकी सरकार में कौन सा एक मुझे दिखा दें जिसपे केस ना हुए? आधे से ज्यादा इनके पास तो हर सरकार के एक मिनट मैडम, मैडम एक मिनट, एक मिनट, इतिहास उठा के देखिए, इतिहास गवाह है। मोदी जी मोदी की सरकार से भी पहले इससे भी ज्यादा अत्याचार और बलात्कार हुए, इतिहास गवाह है। बोलेंगे आप कुछ इस पे? मेरे देश में क्या नहीं, कुछ नहीं कह सकते। देखो अंधभक्त का कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है अंधभक्त का। आप मुझे ये दिखा दें जरा पीछे के कोई किसी भी सरकार का उठा ले, हम कांग्रेस मायावती किसी को नहीं कह रहे, किसी का भी दिखा दें जिसमें लड़की सेफ ना हो। इन्होंने क्या नहीं कराया? हर सरकार देखो लड़कियां तो शुरू से ही सेफ हैं, जिले के अंदर मामक टिकट नहीं, लड़कियां शुरू से नहीं सेफ है। वो बात सही है, एक आम इंसान लड़की का रेप करता कुछ करता उस पर सजा देनी चाहिए। जब ये गवर्नमेंट के ही साथ ही करें फिर टिकट नहीं मिलेगा, फिर बताएं आप क्या बोलेंगे? इन्होंने क्या बोला? मैंने इनकी बात को भी ढंग से नहीं सुना, दोबारा सुनाइए। अगर आपने कहा कि लड़ाई, मैम ने कहा लड़कियां पहले भी सेफ नहीं थी, पहले भी सरकारों में जितनी सरकार है उनमें रेप हुए, आपने ये कहा। मुझे आप ये बताओ जो सरकार के अंदर आए, जो सरकार में आए चाहे वो कहीं का भी हो, अगर गवर्नमेंट में सरकार पे आने के बाद उसने रेप किया उसका दिखाएं। आप मुझसे कहो बीजेपी पे नहीं है तो बताएं, बीजेपी में जिस पे केस होता है बीजेपी पार्टी कहती मेरी पार्टी में आ जाए तेरे केस माफ करा दूंगी। इस बात से मैं सहमत हूँ। इस बात देखिए क्या होता है, कोई भी मान लो अपराधी है वो राजनेता बन गया और उस पर अपराध ज्यादा है, वो दल छोड़कर दूसरे दल में आ जाए ना, पार्टियां उसको बहुत जल्दी जगह दे देती हैं क्योंकि हमारी सीट बढ़ेगी, समझ रहे हो? ये नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? जब आपको पता है कि इस पर भ्रष्टाचार है, इसने ये काम कर रखा है, तो उसको पार्टी अपने अंडर लाती क्यों है? मैं आपसे बात करूंगी सीधा कि आप तो मेरे को पूरे पूरे मोदी समर्थक लग रहे हैं। मैं आपसे ये पूछूंगी मोदी सुनो, ना मोदी मुझे खाना को दे रहा ना केजरीवाल मुझे खाना को दे रहा। अगर मैं भ्रष्टाचार और गिनवाऊं सरकार के, आप लिख नहीं सकते दिल्ली सरकार के। मणिपुर का जिम्मे अभी तो मणिपुर जितनी मुझे नॉलेज है, आप मेट्रो में जाइए हाउसकीपिंग लड़के काम करते हैं, सुना किसी ने? हाउसकीपिंग काम करते हैं, उनकी 10 साल से 12,000-11,000 रुपए सेल लिया है, समझ रहे हो? और 8 घंटे ऐसा रिगड़ा जाता है उनको जैसे खून चूसा जाता है, समझ रहे हो? कोई वहां कुयों ने पूछने जाता रहे तुमको 8 घंटा रुहान लिख रही है साफ साफ बोर्डों में क्या आपको पर डे के इतने रुपए मिलेंगे? संतरी से लगा के मंत्री तक पैसा खाते हैं लोग। मामा को बता देना मेरी बात ये सब है। मणिपुर का जिम्मेवार किसने? मैं इतने मेहनत तू नहीं रखता, मैं बहुत कम टीवी मेरे घर में टीवी वगैरह। मणिपुर का बता आपको क्या हुआ? नहीं इतना नहीं, मैंने तो मैं बताती हूँ आपको, वहाँ पे लड़कियों को निवस्त्र करके सारे आम रोड